सोशल मूवमेंट्स का टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सोशल मूवमेंट्स होती क्या हैं। एंथनी गिडेंस की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, काफ़ी वाइड डेफिनेशन है। एंथनी गिडेंस अथॉरिटी भी हैं इस पर। तो एंथनी गिडेंस, व्हाट डज ही से? एंथनी गिडेंस ही सेज दैट, जस्ट अ सेकंड, कि सोशल मूवमेंट्स आर कलेक्टिव अटेम्प्ट्स टू फर्दर अ कॉमन इंटरेस्ट और सिक्योर अ कॉमन गोल through actions outside sphere of established institutions. देखो common goal, हमारे पास important word आया, established institutions के बाहर होना चाहिए और क्या कोई common interest से driven होने चाहिए। बहुत ही simplistic से definition है कि जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे मिलकर आएँ और कुछ common goal एक achieve करने की try करें established institution के beyond। उसके बाद कि क्या कहाँ कहाँ पर चेंज लाने की बात हो सकती है, कि ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज कहाँ पर, या तो किसी पब्लिक इशू पर जैसे सिविल राइट्स एक्सपैंड किए जाएं, जनता को कुछ और हक मिलें, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोशल मूवमेंट चल रही हो उसके खिलाफ, काउंटर सोशल मूवमेंट। आपको, आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, जब राजा राममोहन राय ने एक मूवमेंट शुरू करी अपनी सती वगैरह को बंद करने के लिए, काउंटर में भी मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो काउंटर वाली मूवमेंट्स भी हो सकती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, समाज को ख़राब करने की ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम्पल अपने पास और है कि जब अबॉर्शन को लेकर जब मूवमेंट चलती हैं कि जनता के पास राइट होने चाहिए कि जिसने अबॉर्शन कराने करा ले, तो पैरेलली प्रो लाइफ मूवमेंट भी शुरू हो गई थी आयरलैंड में पर्टिकुलरली, कि हमारे धर्म में, कैथोलिसिज्म में ऐसा अलाउड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ काउंटर मूवमेंट का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है ये। उसके बाद आगे देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर मॉडल्स आएंगे कि अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बात करते करते यहाँ पर देखा गया कि बहुत, जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस किए गए। एंड वो किस कारण से हुआ, जब ये सिविल मूवमेंट शुरू की थी, जब किसने, ब्लैक्स ने, तो उसके बाद ये कुछ अचीव कर पाए अपना एजेंडा। तो अभी डेविड अबरले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। डेविड अबरले चाहते हैं समझना कि किस तरह से सोशल मूवमेंट क्या क्या बदलती हैं। ये बहुत ही एक अच्छा हमारे पास पैराडाइम है जिसपे हम आंसर अच्छा लिख सकते हैं। वो कह रहे हैं पहले बात जानो डिग्री ऑफ चेंज, कि कितना बदलना है, पार्शल बदलना है या टोटल बदलना है, किसको। वो कह रहे हैं टारगेट क्या है चेंज का, टारगेट या तो इंडिविजुअल या सोसाइटी। समझ गए आप कि किसको बदलना है, इंडिविजुअल या सोसाइटी को, एंड कितना डिग्री कितनी चाहिए आपको, पार्शली बदलना है या टोटल बदलना है, ठीक है जी। सबसे पहला बोलते हैं वो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव अगर इंडिविजुअल को पार्शली बदलना हो तो वो है अल्टरनेटिव मूवमेंट कहलाई बदले में। ये याद रखना, कहीं पे इसको लिख के रखो, बड़ा बड़ा सा बार बार पढ़ते रहना, याद हो जाता है। इंडिविजुअल को पार्शली बदलना है तो उसको अल्टरनेटिव मूवमेंट कहा। अल्टरनेटिव मूवमेंट का सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है, लेट्स से अगर सोशल मूवमेंट चला रहे हैं हम कि गाड़ी चलाते हुए आप मोबाइल यूज़ ना करें, तो हम इंडिविजुअल के थोड़े से किसी छोटे से एस्पेक्ट को ही बदलने की ट्राई कर रहे हैं, पूरा इंडिविजुअल बदलने की ट्राई नहीं कर रहे कि अगेंस्ट मोबाइल वाइल ड्राइविंग, ठीक है जी। देन उसके बाद टोटल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअल को टोटली बदलूं तो उसको कहा, क्या कहा, रिडेम्पटिव मूवमेंट, जो आर्य समाज ने शुरू की थी। वो इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा बदलने की ट्राई थी कि कास्ट सिस्टम को छोड़ो, लेट्स गो बैक टू वेदास। तो इंडिविजुअल पर काफ़ी उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट किया बदलने की अटेम्प्ट। प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाली जो मूवमेंट आई हमारे पास, जो कैथोलिसिज्म में आती है, ये जनरली रिडेम्पटिव मूवमेंट, इसे देखा गया है, काफ़ी अबरले भी लिखते हैं कि काफ़ी हद तक ये क्या होती हैं, ये रिलीजियस इन नेचर्स होती हैं, रिलीजियस इन नेचर, ठीक है जी। ओके आगे, देन सोसाइटी को आपने बदलना है पार्शली, तो उसको क्या कहा, रिफॉर्मेटिव, कि सोसाइटी के किसी एक छोटे से हिस्से को हमने बदलना है, पूरी सोसाइटी बदलने नहीं जा रहे हम। जैसे LGBTs के लिए राइट्स, गेज वगैरह के लिए राइट्स, कि अगर जंग लड़ी जाए, सेम सेक्स मैरिज अलाउ की जाए, तो सोसाइटी के किसी छोटे से हिस्से को बदलने की ट्राई कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी बदलने की बात नहीं कर रहे। अगर हम पूरी सोसाइटी को ही बदलने की बात कर रहे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेटिव कहा गया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ पूरी सोसाइटी बदलने की बात। अभी क्लाइमेट चेंज मूवमेंट चलने शुरू हो गई हैं जो कि पूरी सोसाइटी बदलने की बात, जिस तरह से हम कंज्यूम करते हैं, जिस तरह से सामान बनाते हैं, सभी को हमने चेंज करने की बात हो रही है सोसाइटी में। टोटल चेंज इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर, ठीक है। तो याद रखना ये अल्टरनेटिव, रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है। ओके, डेविड बर्ले का हमारे पास ये था एक पैराडाइम। देन उसके बाद हमारे पास एक चार्ल्स टिली का भी आएगा। चार्ल्स टिली अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार्ल्स टिली क्या बोलते हैं, चार्ल्स टिली का भी एक, वो क्या बोलते हैं, चार्ल्स टिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि वो कह रहे हैं कि सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं। ये ऐसे कहते कैंपेन्स हैं सोशल मूवमेंट्स जो कि
ऑर्डिनरी पीपल वेयर ऑर्डिनरी पीपल मेक कलेक्टिव क्लेम्स ऑन अदर्स. मैं जाके सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि जो दुनिया को बदलो, कि जो सामने जो लोग हैं उनको बदलो. देखो मैं इंडिविजुअल क्लेम कर रहा हूँ किसी और की लाइफ पर, ठीक है. तो इसलिए चार्ल्स टिली इस तरह से इसको समझने की ट्राई करते हैं. एंड टिली ने भी हमें एक पूरा एक मूवमेंट समझाई कि किस तरह से मूवमेंट चलती है. वो कहते हैं पहले सोशल मूवमेंट स्टेजेस बताई हमें, स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स. पहले एमर्ज करती हैं मूवमेंट्स, फिर कोएलेस मतलब इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं. फिर उसके बाद वो बोलते हैं ब्यूरोक्रेटाइज हो जाती हैं कि कुछ सिस्टम बनता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनती है. एंड कहते हैं उसके बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, कामयाब भी हो सकती है. देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ इसको, कामयाब भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है. को ऑप्ट का मतलब कि कोई बड़ी मूवमेंट छोटी मूवमेंट को अपने अंदर संभालेगी, को ऑप्ट कर लेगी. रिप्रेशन भी हो सकता है कि स्टेट पिटाई कर दे. एंड देन ऐसा भी हो सकता है कि वो मेन स्ट्रीम हो जाए. मेन स्ट्रीम का मतलब कि जो कोई पार्टी पूटी बना ले, जो मर्जी कर ले, ठीक है जी. तो कह रहे हैं कि क्या हुआ, एमर्ज, देन कोएलेस मतलब लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, फिर ब्यूरोक्रेटाइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन आई, जो एजेंडा था अचीव कर लिया, सक्सेस, फेल हो गए, नहीं अचीव हुआ, को ऑप्ट कर लिया, रिप्रेस कर दिया, या मेन स्ट्रीम कोई पार्टी पूटी बना के हमने पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ लिए. देन फाइनली बोलते हैं लास्ट में तो डिक्लाइन हो ही जाती हैं, मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं, एजेंडा अचीव हो या ना हो. ओके तो ये एबरले जो सॉरी चार्ल्स ली का ये अपना स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स हैं. ओके देन नेक्स्ट अपने पास सोशल मूवमेंट में हम एक तरह से देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी कि सोशल मूवमेंट किस तरह से आइडियोलॉजी के लेवल पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोशल मूवमेंट्स को. जैसे आप मैंने ब्रॉड कैटेगरी बनाई है, आप चाहो तो उसमें और ऐड कर देना, जैसे मार्क्सियन, ठीक है जी, गांधियन, फेमिनिस्ट, एंटी स्टेट, एंटी सोसाइटी, और भी आप चाहो तो यहाँ पे टाइपोलॉजी अपनी तरह से ऐड कर सकते हो. तो लेकिन ये थी कुछ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मूवमेंट्स. मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ. सोशल मूवमेंट्स में आपने गिडेंस की डेफिनेशन लिखनी है कि कलेक्टिव अटेम्प्ट है कॉमन गोल के लिए. उसके बाद आपने बताना है कि किसी चीज़ को चेंज करने के लिए आ सकती है मूवमेंट, या फिर जो चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए काउंटर मूवमेंट भी आ सकती है. अबॉर्शन वर्सेज प्रो लाइफ आपके पास एग्जाम्पल है, अमेरिकन सिविल राइट्स हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, जहाँ पर मूवमेंट चलाई उनको उसके बाद हक मिले, नए लॉ बने जहां पे ब्लैक्स को भी हक मिले. देन एबरले का आपने बताना है कि किस तरह से सोशल मूवमेंट बदल देती है इंडिविजुअल को या सोसाइटी को, कितना, या तो पार्शियली या टोटली, ठीक है. आपने नाम बताने, अल्टरनेटिव, रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, एग्जांपल्स कोट करने हैं आपने वहां पर. देन आपने टिली का एग्जांपल बताना है कि टिली क्या बोलते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल क्लेम करते हैं औरों पर थ्रू सोशल मूवमेंट्स, ठीक है जी. और उन्होंने क्या दी हमें, टिली ने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, स्टेजेस बताई, इमर्ज, कोएलेस, ब्यूरोक्रेटाइज, देन और पॉसिबिलिटीज, या एंड देन फाइनल डिक्लाइन. फाइनली आपने बताना है कि आइडियोलॉजी के बेसिस पर भी हम मूवमेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मार्क्सियन, गांधियन, फेमिनिस्ट, एंटी स्टेट, एंटी सोसाइटी, आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो. अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हम थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट. बहुत सारी थ्योरीज हैं यहाँ पर, हर्बर्ट ब्लूमर की थ्योरी आपने जाननी है यहाँ पर, एंड देन उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल थ्योरी, लाइफ साइकिल जो ब्लूमर की है. उसके बाद हम यहाँ पर स्मेल्सर की थ्योरी जानेंगे. तो ठीक है दोस्तों, स्टे ट्यून्ड. ये दो थ्योरियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मूवमेंट की, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं. थैंक यू.